शिमला जिला के रामपुर आरक्षित हलके से कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। दोनों ही दलों के समर्थकों ने नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया। इस दौरान मुख्य मार्ग पर अधिक भीड़ जुटने के कारण काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान कांग्रेसी विधायक नंदलाल के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ राजमहल परिसर से एसडीएम ऑफिस की ओर नारेबाजी करते हुए निकले। रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान विधायक नंदलाल ने बताया कि टिकट मिलने के बाद सभी कांग्रेसी एकजुट है। पांच साल में हम बिल्कुल हमारा जो विकास की जो गति थी वो स्टैंड स्टिल हो गई। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमने कुछ गारंटी 10 गारंटी दी हुई है और अदर पेंस ऑफ, तो उसमें हमारा ये रहेगा कि मतलब जो ये कमी पड़ी है इन द लास्ट 5 ईयर्स की कमी रहेगी विकास में, उसको आगे बढ़ाना है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कॉल नेगी ने बताया कि वे भाजपा शीर्ष नेतृत्व समेत तमाम संगठन के नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने रामपुर से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। जनता, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवाओं, सभी लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूं कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दीजिए कि हमने विधायक न होते भी जो पिछले 5 वर्ष है इसमें हमने विकास के में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही है। आने वाले समय में ऐसे सभी विषयों को लेकर, हमारे चाहे टूरिज्म का विषय है, हमारे चाहे सड़कों का विषय है, ऐसे बागवानी के क्षेत्र है, ऐसे सभी विषयों को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बार रामपुर की सभी प्रभु जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद सहयोग हमें मिले ताकि हम रामपुर में विकास के नए नए आयाम छुए।